नहीं वो तो हम ऐसे ही बोल रहे हैं आपको, लेकिन हम जो हमको जगह देगा उसी कोई जीतेगा। कौन है विधायक? कौन है विधायक वाली यहाँ को मिलेगा? अभी इंदिरा आवास मिला है, अभी इंदिरा या प्रधानमंत्री आवास? हाँ प्रधानमंत्री आवास है, हम उसी नाम से जानते हैं। और जो धान, हम किसान हैं, हमको धान का बोनस मिला, धान का कर्जा माफ हुआ किसानों का, और ऐसे बहुत सारे योजना हैं जो गांव में नल जल में बिजली माफ, मोटर पंप। पहले 200-400 रुपये आता था मेरा बिजली बिल, आज 100 रुपये आ रहा है। इधर का लगते हैं अभनपुर में कागज लहा रहे, यहाँ धनेन्द्र जी जीते समर्थक करो धनेन्द्र के? नहीं, हम लोग दूसरे विधानसभा से हैं। अच्छा, कौन से हाले? हम कुरुद विधानसभा। कुरुद विधानसभा से क्या लगता है? कुरुद विधानसभा में कुरुद विधानसभा में भी नीरव चंद्राकर जो है पंजा छाप लाली चंद्राकर आए काम वाम किया अजय चंद्राकर? अजय चंद्राकर 5 साल में सकल भी नहीं दिखाया। कहाँ रहते हैं वो? रायपुर में ही रहता है, चुनाव समय आता है 6 महीना बाद। कौन गाँव से हो? मैं चंदना से। चंदना से जी। काम वाम नहीं करवाया है? कोई काम नहीं हुआ है अभी। अजय चंद्राकर कुछ काम? अपने मत से कोई काम नहीं हुआ है, पंचायत में जो शासन देता है उसके आधार पे गाँव में जो हुआ है हुआ है। अपने मत से मेरे गाँव में कोई भी गाँव में कोई कार्य नहीं किया विधायक मत से। विधायक में से कोई काम नहीं? कोई काम नहीं हुआ। आसपास गांव में भी नहीं हुआ है। अच्छा, मेरे गांव में मैं 10 गांव है लगभग नजदीक में, वहां पर एक भी विधायक मत से कोई कार्य नहीं हुआ। योजना का लाभ मिले दाई तुला? हाँ, एक बार कहा लगते योजना का लाभ मिले मिले का योजना का लाभ? हम आश्रय स्थल चलाते हैं। कहाँ चला दो? हम आश्रय स्थल चलाते हैं, वृद्धा आश्रम। कहाँ? ये भी यही सिद्धलापारा में का सरकारी हॉस्पिटल के पीछे में जहाँ वैक्सीन लगा रही ना वही हम चलाते। कुछ लाभ मिला था अमल ला? कुछ हाँ मिला थे ना। अच्छा, कितने मिल जाते? एक चंदाई हावे वहाँ। आप मन के मतलब जो मजदूरी है या फिर मिलते नहीं? मिलते ना पक्का? हाँ पक्का मिलते। कितना मिल जाते? 5,000-6,000 महीना का? 6,000 करना है ना समूह द्वारा चलाते हैं। अच्छा, एक बार कहा लगा दे अभनपुर में कौन चीज लगा दे कहा है बता सकते? हमारे भैया ही ना हुआ धनेन्द्र भैया ऐसे का? अच्छा अच्छा, दीदी कहाँ कहाँ रहते हो बताना? वो शर्मा जी बात तो है, बता कहाँ रहते? कहाँ रहते दाई? हमारा नीचे रहता है नया पारा। कहा लगते हैं बार कौन है अभनपुर विधानसभा में कौन आ सकते हैं? कौन है विधायक? कौन है विधायक वाली यहाँ को? आधी दुनिया है पारा मोहल्ले में घूमे आपका चुनाव आने वाला है नजदीक है? नजदीक है, बोल डरे हमारे मोहल्ला में गेरी सरिता तो हो ही करते हो ही कब हो तो कौन जाने। अच्छा, तो यहाँ कौन बुला है? कौन बुलाए यहाँ आम सभा में बुलाए तब है सर। अच्छा, बुलाए बिना आधार से कौन आए दादा मोर? बिना नेवता देता बाहो सब सब आए सब पब्लिक दुनिया संसार के आए देश विदेश के आए। तो काम वाम नहीं कराते का? हमारे तो हो नहीं कहते बेटा, तो काज करबो हमन। अच्छा, पेंशन वेंशन मिलते कि नहीं? पेंशन मिलते, राशन कार्ड? राशन कार्ड है, पेंशन मिलते। हाँ,
खेती किसानी है दुनिया नहीं वो 2000 आई किस खाता में तो आई आते नहीं है बे कुछ नहीं खेत खार नहीं तो मिली के रिस नहीं ते वाला तो को नहीं मिली से भरे बे नगर पाल को हमें मिले छ नहीं अमल बनी भरे आदिवासी है तो कैसे करा तो कौन जी दिए हमारा भनपुर में का लगते आप मल्ला ये दिल्ली धादेन तो पट्टा नहीं देवा है का वो पट्टा नहीं देवा है तो पट्टा दे है कर्जा माफ करे है सरकार है सब लखपति मान के कर्जा माफ करे और गरीब मान के काय माफ करे लखपति मान के धुन किसान मान के कर्जा माफ करे किसान और लखपति करोड़पति मान के नहीं करे हम करोड़पति अब तब माफ नहीं चल ठीक है हमारे हम ऊपर है नहीं ऊपर पीछे में हम दौड़ा था ऊपर पीछे में हम दौड़ा थे है नहीं लेकिन क्या है हमारा छैया चाहिए घटोरिया पारा फूटा था नहीं छैया चाहिए ओकरे से ना आना मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कि जो रेलवे वाला आ रहा है हां रेलवे स्टेशन में हवा टूटी बहुत है टूटी का हाथ है अभी 3 महीना के मोहलत दे है देखा सती ने छैया 15 दिन के सैलत मांगा थी अच्छा कागज वागज दे हाँ नोटिस मिल गए हाँ नोटिस मिल गए हाँ नोटिस मिल गए तभी कागज से बातचीत करे हो आप लोग बातचीत जीत करे हो वतन परस्ती है वफा है हम लोग भटोरिया पारा में रहते हैं हम लोग का नोटिस एक महीने का आया है चुनाव के बाद हटाना है ठीक है हम लोग को सिर्फ जमीन का जरूरत है घर हम लोग बनवा लेंगे लेकिन अभी हमारे पास रहने का व्यवस्था नहीं इसमें क्या हम गरीब लोग हैं बहुत लोगों के घर काम करते हैं तो पेट भरते हैं इसीलिए हमको जगह की जरूरत है बाकी हमको कांग्रेस को ही जिताना है लेकिन हमको जगह की जरूरत जय जवान हाँ ऐसा जय जवान और कुछ नहीं बोले छत्तीसगढ़ माता की कहाँ से उदाई एक ही मोहल्ला से होगा कहाँ लगते हैं वो अभनपुर में काकर लहर चला थे बता दो तो का कौन जीत सका थे अभनपुर में अभनपुर में हाँ जितने भी हमारे हाँ अच्छा अपनी गरिमामय काम कराए कुछ काम कराए सबसे मेरा कुछ काम कराए मतलब क्या क्या काम कराए हैं अभी कुछ नहीं करवाए हैं हम लोग उनको हर हमेशा यही बोलते हैं कि हमारा जगह का व्यवस्था कीजिए हमारा घर की ज्यादा जरूरत है हमको नाली बनाओगे कोई मतलब नहीं बारे में बात नहीं की होगी किए हैं उन्होंने कहा हमारे पास ऐसा कोई जगह नहीं है जगह नहीं है बोलते जगह नहीं है बोलते हैं इतना जगह है कॉलेज बनने की जगह है गार्डन बनने की जगह है और उनको हमारे एक साल से हम लोग गाना गा रहे हैं धनेन भैया के पास कि हमको जगह दे दो जगह दे दो लेकिन सुनने नहीं रहे अभी ये मतलब संध्या राव हमारे पार्षद है हर बार बोलते हैं यही चीज और अभी हम लोग यही तरीके हमको जो जगह देगा उसको जिताएंगे हम तो यही मान के नहीं वो तो हम ऐसे ही बोल रहे हैं आपको लेकिन हम जो हमको जगह देगा उसी को समर्थन हमारी घटवाला मिला हमारी कांग्रेस पार्टी को मकान नहीं तो खाली जगह ही दे दिए हमको जगह मिल गया हम जिसको बोलोगे उसी को देंगे जो हमारे फूल वाले से बात नहीं किए क्या फूल वाले आया ही नहीं हमारे आया ही नहीं है कभी नहीं साथ साथ यहाँ पर वो था विजय गोयल के पास गए थे उनको कहा कि हमारे लिए कुछ कर दो तो हम आपकी तरफ देंगे ऐसे करके तो वो बोले वक्त आएगा बताएंगे वक्त आज वक्त नहीं है अब आप ही बताइए क्या कर सकते हैं तो इसलिए हम तो ऐसे हैं जो हमको छांव देगा उसी की तरफ हम तो साफ बता रहे इस बार क्या लग रहा है विधानसभा चुनाव में अभनपुर से आप कहाँ से हैं हम अभनपुर विधानसभा क्षेत्र से हैं इस बार बहुत ज्यादा कांग्रेस का पूरा सरकार बनने वाला है धनेन्द्र साहू 40,000 ओर से भी आगे पार होने वाले हैं किसान खुशहाल है मजदूर खुशहाल है युवाओं भी खुशहाल है छत्तीसगढ़ में जब से कांग्रेस सरकार है तो सभी खुशहाल है 5 साल में धनेन्द्र साहू जी ने ऐसा कौन कौन सा काम किया है 5 काम का नाम बताइए आप धनेन्द्र साहू ने 5 साल में हर गांव के विकास में जहाँ काम बताओ जहाँ टीन सेट हो वहाँ टीन सेट है जहाँ रोड की आवश्यकता है वहाँ रोड बनाया है रोड बनाए जहाँ स्कूल का आवश्यकता है वहाँ स्कूल बनाए और सबसे बड़ी उपलब्धि है कि हमारे तामसरी में कॉलेज दिए है और दूसरा आईटीआई का तोल्ला में दिए हैं और खोरपा में
उप तहसील का प्रदान किए हैं और नया पारा में आत्मानंद कन्या महाविद्यालय यानी धनेन्द्र साहू का इसका नाम लेते रहेंगे तो भी उसका नाम अंत नहीं होगा, उसका काम उसका बोलता है। और धनेन्द्र साहू हमारा सर नेता है, धनेन्द्र साहू इस बार पूर्ण बहुमत के साथ सरकार में मंत्री भी बनेंगे और उसको जिताएंगे भी 40,000 वोट से। दबनपुर क्षेत्र का पूरा पूरा उसका समर्थन है जी। आप युवा हैं, आप लोग क्या चाहते हैं इस बार? युवा है, युवा वर्ग के लिए भूपेश सरकार बेरोजगारी भत्ता दे रहा है, रोजगार दे रहा है और 15 साल के ये भाजपा सरकार सिर पर सिर पर ठगने का काम किया है। बोनस देने के नाम में हो, चाहे किसानों के धान खरीदी के नाम में हो, पूरा पूरा कमीशन खोरी किया है और छत्तीसगढ़ में पूर्ण बहुमत के साथ इस बार कांग्रेस की सरकार बनने जा रहा है और इस बार भाजपा का पूरा सूबड़ा साफ होगा।